चैनल मी द मार्वलस। और आज का जो मेरा वीडियो है वो मेकअप वीडियो है। आज मैंने ये मेकअप क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने अपने आई शेडोज मैच किए हैं और उसके अकॉर्डिंग ईयरिंग्स। और ये जो लुक है ये अपनी दोस्त की शादी में, रिश्तेदार की शादी में, किसी भी, अगर आप जो बहुत क्लोज नहीं है तो वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह के मेकअप लुक में जा सकते हैं। क्योंकि जो मैंने ड्रेस वेयर की हुई है वो भी बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना ये मेकअप क्रिएट किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। गाइज, किसी भी मेकअप के पहले प्राइमर अप्लाई करना ना भूलें, अदरवाइज आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल पैची लगेगा। तो मेकअप करने के पहले हमेशा प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें। और इक्वली मैं नेक एरिया पे भी लगा रही हूँ और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें अपने ईयर्स पे, नेक पे, फेस पे। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से प्राइमर को मिक्स कर रही हूँ। अब चलते हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे की तरफ। ये भी एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है आपके मेकअप का। अगर आपका मेकअप बेस स्ट्रांग होगा तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा। अब चलते हैं फाउंडेशन की तरफ और अपने फिंगर के हेल्प से ही धीरे धीरे टैप करके पूरे फेस पे फाउंडेशन को लगा लें। और इसी तरीके से मैं अपने फॉरहेड पे, नेक पे, हर जगह पे फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी। फाउंडेशन लगाते समय ध्यान रखें कि आप जिस एरिया पे भी फाउंडेशन लगा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से कवर हो और ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अगर आप ब्रश के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा फाउंडेशन पूरी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है। गाइस, अब चलते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंसीलर की तरफ। और इसे अपने आईज़ पे, अंडर आईज़ पे, जो भी फेस का डार्क एरिया है, किसी भी तरह के अगर दाग धब्बे हैं तो उसे आप कंसीलर से छुपा सकते हैं। सो लेट्स अप्लाई द कंसीलर ऑन योर फेस। यहाँ पे मैंने अपने दोनों आईज़ पे कंसीलर इस्तेमाल कर लिया है और अब फिर से मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से टैप टैप करके मिक्स करूँगी। कंसीलर को अच्छी तरीके से मिक्स ज़रूर करें क्योंकि जब हम इसे पाउडर से सेट करेंगे तो ये बिल्कुल कम्प्लीट लुक आएगा। और अब हम चलते हैं आईब्रो की तरफ। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आईब्रो पे हम किस तरह से परफेक्शन के साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। अगर आपके आईब्रोज़ शॉर्ट हैं तो उसे आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर ये नॉर्मल है तो उसे जस्ट फिल कर लें एक प्रॉपर शेप देते हुए। और इसे और नीटनेस दिखाने के लिए मैं यहाँ पर कंसीलर के हेल्प से आईब्रो के चारों तरफ कंसीलर अप्लाई करूँगी जिससे हमारे आईब्रो को एक परफेक्ट शेप मिल जाए। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप दूसरे आईब्रो पे भी कंसीलर अप्लाई कर लें। और अप्लाई करने के बाद फिर से इसे एक बार अच्छे तरीके से हमें ब्लेंड करना है। मेकअप में जब भी हम मेकअप करते हैं तो ब्लेंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप किस तरह से ब्लेंड कर रहे हैं, अदरवाइज आपका मेकअप पैची लग सकता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से कंसीलर को भी ब्लेंड कर लिया है जिससे मेरे आईब्रो को एक परफेक्ट शेप मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी। सो नाउ अब हम चलते हैं आई शेडो की तरफ। तो आई शेडो लगाने के सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो है अपने कट क्रीज को एक डेप्थ देना, जो आप किसी भी ब्राउन शेड से कर सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। और दोनों आईज़ पे करने के बाद सेकेंड स्टेप जो है वो है कंसीलर अप्लाई करना, जिससे कि हमारा जो आई शेडो हम लगाने वाले हैं वो अच्छी तरीके से उसमें सेट हो जाए। तो हाफ राउंड तक अपने कट क्रीज में कंसीलर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। हाफ सर्कल आप इसे दे सकते हैं। और अब अगर आप कंसीलर को बिल्कुल अच्छे शेप में वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो आई शेडो लुक है वो बहुत अच्छे शेप में उभर कर आएगा। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर, तो इसे मिड एरिया में, मिडल में बिल्कुल अप्लाई करूँगी। और आउटर कॉर्नर पे हमेशा आप ध्यान रखें कि डार्क कलर का इस्तेमाल करें, क्योंकि
जब भी हम मेड में कोई कलर लगाते हैं और इसे आउटर कॉर्नर में डार्क के साथ ब्लेंड करते हैं तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। कलर हमेशा आउटर कॉर्नर पे इस तरह से लगाएं जो कि मिड वाले कलर को थोड़ा सा डोमिनेट करे, जिससे आपके आईज़ को एक बहुत अच्छा लुक मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर। और इनर कॉर्नर पे हमेशा हम लाइट कलर का यूज़ करते हैं, जिससे आपके आईज़ और भी इन्हांस होती है। इसमें भी गाइज हमें सबसे ज़्यादा ब्लेंडिंग का ध्यान रखना है। तो अब मैं पिक कर रही हूँ गोल्डन कलर और उसे अप्लाई करूँगी इनर कॉर्नर से धीरे धीरे, और उसे ग्रीन के ऊपर स्मज करते हुए अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अगर कोई कमी रह जाती है आप जब भी आई मेकअप करते हैं, तो उसे फाइनल लुक के टाइम पे एक बार फिनिशिंग टच दे सकते हैं ब्लेंड करते हुए जो कलर आपने मिड में अप्लाई किया है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे स्मश करते जाएं। और अब फिर से मैं ग्रीन कलर लेकर उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। और हमारा जो ये नेक्स्ट स्टेप है वो है आईलाइनर, जिसके बिना हमारा मेकअप बिल्कुल अधूरा रहता है। तो यहाँ पे मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं। गाइज मेरा जो ये लुक है वो सिंपल लुक है, तो इसे मैं बहुत ज़्यादा हेवी नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल आईलाइनर ही ड्रॉ कर रही हूँ। और इसी तरीके से मैं दूसरे आईज़ पे भी आई शेडो और आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी। गाइज यहाँ पे मैंने आईलैशेस अप्लाई कर लिया है, बट इसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब चलते हैं काजल की तरफ। बिना काजल के आई मेकअप फिनिश नहीं होगा, सो लेट्स अप्लाई द काजल। तो वाटर लाइन पे अच्छे तरीके से काजल अप्लाई कर लें। जैसे ही हम काजल अप्लाई करते हैं तो हमारी आईज़ को एक बहुत अच्छा लुक मिल जाता है और हमारा आई मेकअप बिल्कुल फिनिश और कंप्लीट हो जाता है। सो लेट्स गो टू द मस्करा। मस्करा भी हम अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे, और अपने लोअर लैश पे भी अप्लाई करना ना भूलें। नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। तो गाइज ऑलमोस्ट हमारा आई मेकअप हो चुका है डन। और मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश। ब्लश भी बहुत ज़्यादा रेडिश यूज़ नहीं करूँगी, नॉर्मल पिंक कलर से मैं ब्लश कर रही हूँ। नेक्स्ट जो मेरा स्टेप रहेगा वो है एक लिप ग्लॉस को हम अपने चीक पे प्लेस करेंगे और उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से, जिससे हमारे गालों को एक ग्लोई लुक मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इसे भी ब्यूटी ब्लेंडर से आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद मैं इसे ब्रश के हेल्प से भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप जिस चीज़ के साथ भी कंफर्टेबल हैं उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। सी अब देख सकते हैं स्किन कितना ग्लोई हो गया है। अब हम चलते हैं लिप लाइनर की तरफ। किसी भी मेकअप का जो फाइनल टच होता है वो लिपस्टिक है, तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द लिपस्टिक। तो सबसे पहले हम लिप लाइनर अप्लाई करेंगे, अपने लिप्स को एक परफेक्ट शेप देंगे और उसके बाद उसमें अपने पसंद के कलर का लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने ड्रेस से मैच करते हुए ऑरेंज कलर अप्लाई कर रही हूँ। एज़ यू कैन सी तो हमारा मेकअप हो चुका है डन, और ये एक बहुत ही एलिगेंट मेकअप लुक है। गाइस अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये फ्लॉलेस मेकअप कैसा लगा। तो इस तरह के लुक के साथ आप किसी भी फंक्शन में जा सकते हैं, शादी हो, पार्टी हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो या फिर क्लोज नहीं हो, क्योंकि ये एक ऐसा मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है जिसे अगर आप कैरी करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं लगता है और बिल्कुल नॉर्मल वे में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।